वाले मतलब पास हुए थे, बाकी सब फेल हो गए थे। अच्छा जी, जी। तुम 50 में मार्क 37 लोग पास हो गए थे और 13 लोग रिजेक्ट। और लड़कियों में कोई क्वालिफाई हुआ था कि नहीं क्वालिफाई हुआ था? लड़की लोग में 50 लोग मतलब लड़की लोग में से सिर्फ एक लड़की ने क्वालिफाई किया था, और वो भी उसका थोड़ा प्रॉब्लम मतलब टाइम का हो गया था। टाइम होने के बाद वो लड़की आई थी, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मान लीजिए कि एक दो सेकंड से वो छट गई तो हटा दिया जाएगा। अच्छा जी, तो लड़कियों भाई साहब सभी रिजेक्ट कर दिए हैं, लेकिन लड़कों में 13 क्वालिफाई है। जी हिंद दोस्तों, आप ही के अपने YouTube चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों AOC की भर्ती आ चुकी है, आपको बताओ ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो कैंडिडेट काफ़ी कैंडिडेट थे पूछ रहे हैं कि हमने पिछली भर्ती में 75 थे, किसी के 80 थे, या किसी के मतलब बोले कि ट्रेडमैन में हमने अप्लाई किया था तो हमारा कोई लेटर नहीं आया, मतलब काफ़ी के डाउट है। तो ऑफलाइन सिस्टम था पहले यार, अभी ऑनलाइन करवा रहा है, तो इसमें क्या कुछ रहने वाला, परसेंटेज बेस पे अभी बोला तो ये अभी इस बार क्या कुछ करने वाला है, तो ये आगे आपको पता चल जाएगा। यानी कि मेल के थ्रू ये सूचित करेंगे आपका मतलब फिजिकल। इससे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों AOC के लिए ट्रेडमैन, फायरमैन या MTS की जो भी हमारी वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म फिलअप हो रहे हैं फिलहाल, उसका जल्दी हमारा क्या है फिजिकल और रिटर्न होने वाला है। तो काफ़ी पोस्टों के लिए रिटर्न पहले होने वाला है, तो फायरमैन और ट्रेडमैन का भी रिटर्न होने वाला है। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास चक्षु प्रवासन की बेस्ट बुक आ चुकी है, जिसमें आपको 2950 भू विकल के क्वेश्चन मिलेंगे और 20 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। दोस्तों ये बुक ऐसी बुक है जो कि आपके पीछे जो भर्ती होती है AOC 2017। इस बुक की खास बात यह है दोस्तों, जो पीछे AOC की भर्ती हुई थी उसमें जो रिटर्न हुआ था वो ही प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेंगे आपको। तो दोस्तों इसको जल्दी से जल्दी आप क्या परचेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या बुक स्टोर से आप उपलब्ध मिल जाएगी, आपको जल्दी से जल्दी इस बुक को परचेज कर लेना, ठीक है दोस्तों। वो ऑफिशियल साइट या नोटिफिकेशन निकाल देंगे, वैसे तो इन्होंने इस बार भी परसेंटेज बेस पे ही माना है, लेकिन ऑनलाइन ये फॉर्म भरवा रहे हैं तो क्या कुछ रहेगा आगे आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ज़्यादातर केस में यही रहता है दोस्तों, आपका मतलब कॉलेटर आने के चांस रहते हैं पीछे, तो यानी कि जिसके यानी कि 10 से 5 गुना मतलब कॉलेटर देकर बुलाए थे, अभी इतना कुछ नहीं करने वाले, इस बार थोड़ा ज़्यादा ही बुलाने का चांस है। तो इसमें क्या कुछ रहने वाला है दोस्तों, जो फायरमैन ट्रेडमैन में फिजिकल होने वाला, तो इस बार दोस्तों आपको ऐसा नहीं होगा, सभी एक बार क्या जो भी भर्ती में मतलब कॉलेटर परसेंटेज बेस पे बुलाते हैं, तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस बार लगभग कैंडिडेटों का क्या कॉलेटर आने की पूरी संभावना। तो दोस्तों हमारा फिजिकल में क्या कुछ रहने वाला है, ट्रेडमैन और फायरमैन में अलग अलग फिजिकल रहने वाला है, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको क्या देखिए 1500 मीटर 6 मिनट देने वाले हैं, जो रनिंग तो सही रहेगा, लेकिन सबसे हार्ड काम क्या रहेगा इसमें दोस्तों, इसमें 50 kg वेट उठा के 200 मीटर तक चलना, जो कि आपको 100 सेकेंड देंगे, ठीक है, 1 मिनट आपको और 40 सेकंड देने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हमको मतलब 40 से ऊपर यानी कि जो एक्स सर्विसमैन वगैरह या जिसके मतलब अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से इन्होंने दिया है, तो इसमें वेट भी कम है और रनिंग का भी टाइम कम दिया है। मेल के लिए ये ऊपर क्राइटेरिया दिया, फीमेल के लिए दोस्तों इन्होंने क्या दिया है, वो ही 1500 मीटर क्या रनिंग रहने वाली है, इसमें 8 मिनट और 26 सेकेंड क्या इसमें टाइम मिलने वाला फीमेल में, और इनको भी दोस्तों 50 kg ही वजन उठाना जो कि 200 मीटर जाना जिसमें 3 मिनट दिया जाएगा। तो दोस्तों वजन उठाना और लेके जाना बहुत बड़ी बात है, 50 kg वजन यानी कि सीमेंट का कट्टा ना उठाना और आपको 200 मीटर लेके जाना, ये चीज़ है यानी कि मेन चीज़ आपको बताते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये आपका क्या है मतलब रिटर्न के लिए ये कुछ आपको दिया दोस्तों। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से इन्होंने दिया, तो फायरमैन का और देख लेते हैं, फायरमैन का भी इधर ही है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों फायरमैन के लिए, फायरमैन में भी यही कंडीशन है, इसमें क्या हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो इसमें दोस्तों अलग अलग कैटेगरी वाइज 2.5 सेंटीमीटर ST कैटेगरी के लिए क्या है छूट दी गई, इसमें 81.5 सेंटीमीटर से लेकर 85 आपका क्या है चेस्ट रहना है, मैक्सिमम 50 kg वेट होना चाहिए, ट्रेडमैन में वेट का कोई जिक्र नहीं किया। अभी बात कर लेते हैं इसमें रनिंग क्या, रनिंग 1600 मीटर रनिंग रहने वाली, 6 मिनट देने टाइम, इसमें 100 मीटर बढ़ा दे टाइम वो ही रहने वाला, रनिंग हार्ड रहती है फायरमैन में। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें फीमेल के लिए, वही 8 मिनट और 26 सेकेंड देने वाले हैं 1600 मीटर में, और ये अलग अलग सर्विसमैन या ज़्यादा एज वाले उनके लिए। इसमें दोस्तों सबसे हार्ड फायरमैन में क्या रहने वाला है, फायरमैन में रहने वाला दोस्तों 63.5 kg, जो कि आपकी 183 मीटर लेके जाना 200 मीटर से कम, 96 सेकंड टाइम वही रहने वाला है लगभग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 2.7 मीटर क्या है विथ डिच यानी कि गड्ढे को 2 पॉइंट लॉन्ग जंप भी रहेगा इसमें, ठीक है, और इसमें दोस्तों 3 मीटर का क्या है रोप रस्से से क्या है ऊपर जाना पड़ेगा और नीचे आना पड़ेगा, ये कुछ मतलब क्राइटेरिया इस हिसाब से दिया है दोस्तों। और इसमें कारपेंटर और पेंटर और MTS है इसमें रिटर्न रहने वाला दोस्तों, ये कुछ क्राइटेरिया रहने वाला फिजिकल में, और
अलग अलग ट्रेडमैन और फायरमैन में ही फिजिकल रहने वाला दोस्तों। और चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बता दी, और आपको डाउट लग रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों।